रायपुर के एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक सेल की टीम ने मुखबिर की सूचना पर गंज थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलघारी नाका माल धक्का के पास अपने पास बैग में गांजा रखकर बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे दो आरोपियों शैलेंद्र कुमार एवं मुन्ना राम कश्यप को पकड़कर उनके पास से 80,000 रुपये कीमत का 8 किलो गांजा बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र में स्थित धान खरीदी केंद्र के सेल्समैन राममूर्ति गढ़पल्ली की अज्ञात हमलावरों ने दिन दहाड़े धान खरीदी केंद्र में तेज धारदार हथियार से निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। शक्ति जिले में पुलिस विभाग का एक और कारनामा सामने आया है, जिसके चलते पुलिस की कार्यप्रणाली पर फिर से कटघरे में नजर आ रही है। रायपुर से रायगढ़ के प्लांट भेजा गया दो टैंकर फर्नेस ऑयल को शिवरी नारायण के एक फार्म हाउस में निकालकर उसमें सस्ता तेल मिलाकर गाड़ी रवाना कर दी गई। मामला पकड़ में आने के बाद पुलिस मुख्य सरगना को ना पकड़कर टैंकर चालक को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। जीपीएम जिले के कोटमी सकोला के धान खरीदी केंद्र में नायब तहसीलदार और कृषि विस्तार अधिकारी के बीच किसान का धान जब्त करने को लेकर बड़ा विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि नायब तहसीलदार सोनू अग्रवाल ने पुलिस बुलाकर कृषि विस्तार अधिकारी हेमंत कश्यप को गिरफ्तार करवा दिया। सरगुजा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के सुखरी में उठाईगिरी का मामला सामने आया है, जहां बैंक से 1,30,000 रुपये निकालकर बैग में रख होटल में नाश्ता करने गया रिटायर्ड शिक्षक का बैग लेकर उठाईगिर फरार हो गया। मामले की शिकायत पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में बाजार चौक अछोली में खड़ी सवारी ऑटो को चोरी करने वाले आरोपियों रविकांत तिवारी और मोहम्मद आफ्ताब उर्फ चेपड़ को पकड़कर उनके कब्जे से चोरी का सवारी ऑटो कीमत 1,50,000 रुपए को बरामद कर लिया है। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 3,50,000 रुपए लेकर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देने वाले आरोपी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी अनुराग पांडे की ट्रेन में हुई पहचान में बेरोजगार भाई को रेलवे में नौकरी लगवा देने के नाम पर 3,50,000 रुपए लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने वाले रामस्वामी मुत्तु सुब्रमण्यम को प्रार्थी की रिपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर की सरकंडा पुलिस ने सरकंडा थाना क्षेत्र में सीला विहार कॉलोनी के अंदर सार्वजनिक स्थान पर धारदार चापड़ लहराने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को पता चला कि विश्वकर्मा दास मानिकपुरी चापड़ लहरा के लोगों को डरा धमका रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बसंत विहार कॉलोनी निवासी विश्वकर्मा दास मानिकपुरी को गिरफ्तार कर उसके पास से चाकूनुमा चापड़ बरामद किया। रायपुर की उरला थाना पुलिस ने एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की विशेष टीम के साथ मिलकर लूट और चोरी के मोबाइल को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे तीन आरोपियों डोमन बंछोर पप्पू ठाकुर व विकास साहू उर्फ बजरंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन जब्त किया गया है। रायपुर के अलग अलग भीड़ भाड़ वाले स्थानों से लोगों को मोबाइल व चोरी किया करते थे। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना पुलिस ने यूएस मेड पिस्टल और 3 राउंड के साथ पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें दंतेवाड़ा के एनआईए कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि ये तीनों नक्सल सहयोगी हैं, जो पिस्टल समेत राउंड को नक्सलियों को पहुंचाने जा रहे थे। हालांकि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बीजापुर के बांसगुड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ 3 और नक्सल सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पोलमपल्ली डोंगल चिंदावांगू नाला के पास 3 संदिग्ध लोग हाथ में थैला पकड़े हुए थे, जो पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगे। जवानों ने तीनों की घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। रायपुर के पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में शीतला चौक भाटागांव स्थित सागर स्वीट्स के संचालिका सागर शर्मा की रिपोर्ट पर अपने आप को फूड विभाग के अधिकारी बताकर लाइसेंस नवीनीकरण के नाम पर और होटल में छापा पड़ने की धमकी देकर आए दिन नाश्ता व रुपए की वसूली करने वाली 2 महिलाओं स्वाति शर्मा और ममता शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है।
राजस्व खुफिया निदेशालय के DRI ने रायपुर से लगभग 3 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी सिगरेट की तस्करी करने के आरोप में 4 लोगों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। DRI रायपुर की इकाई को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक में भारी मात्रा में विदेशी सिगरेट लाई जा रही है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए संदिग्ध ट्रक की तलाशी ली गई, जिसमें HDPE हाई डेंसिटी पॉलिथीन बैग में पैक पेरिस ब्रांड की तस्करी की गई सिगरेट जब्त की गई है। बस्तर जिले के बोधघाट थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ओडिशा से जगदलपुर आ रही बस की धनपुंजी नाका पर जांच कर गुलाबचंद व विमला को पकड़कर उनके पास रखे बैग से 2 लाख रुपए कीमत का 20 किलो गांजा जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अम्बागढ़ चौकी पुलिस ने मवेशी तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर वाहन को जब्त किया है, जिसमें 10 मवेशियों को कत्लखाने ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 10 नग दूध देने तथा कृषि कार्य योग्य बैल गाय व बछिए को कत्लखाने ले जाते रंगे हाथों पकड़ा गया। नक्सलियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की प्रवक्ता समता ने प्रेस नोट जारी किया है। समता ने कहा कि CG तेलंगाना राज्य की सीमा पर सुकमा बीजापुर के गांव में फोर्स ने एयर स्ट्राइक किया है। फोर्स के एयर स्ट्राइक से एक महिला नक्सली की मौत हुई है। महिला नक्सली का नाम पोट्टम हुंगी है। यह नक्सलियों की पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी मेंबर थी। बीजापुर में चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत मंदेड़ एरिया के अंतर्गत कमेटी सदस्य राकेश मांडवी मोतपाल नेशनल पार्क एरिया कमेटी के अंतर्गत प्लाटून नंबर 2 का PLG सदस्य दूला पुणे मनकिल्ली मुदेड़ एरिया कमेटी अंतर्गत भोपालपट्टनम LOS कमांडर सोमारू उर्फ किशोर काराम एवं गंगलूर एरिया कमेटी के अंतर्गत मिलिशिया प्लाटून सेक्शन कमांडर सुरेश मंडावी उर्फ सुक्का पुजारी पारा गोरना ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक बीजापुर आजने वासुनेव के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। धमतरी के सिहावा चौक की ओर से रेत लाने कोलियारी की ओर जा रही हाईवा वन विभाग कार्यालय के पास सड़क किनारे बैठी गाय को कुचल दिया। चक्के में गाय फंस गई और घसीटते हुए करीब 200 मीटर तक ले गया। FCI चौक के पास गाड़ी रुकी, तब तक गाय की मौत हो गई। घटना से आक्रोश युवा सड़क पर उतर आए, नारेबाजी शुरू कर दी। आक्रोशित भीड़ ने करीब 3 गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। जांजगीर जिले की खनिज एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा शुक्रवार को विशेष अभियान चलाकर टीम ने अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 12 हाईवा एवं 38 ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 50 प्रकरण दर्ज किए हैं। बिलासपुर के विनोबा नगर में ED छापे की कार्रवाई देर रात तक चलती रही। अफसरों की टीम ने कोयला कारोबारी स्वतंत्र जैन के बंगले में दबिश दी और दस्तावेजों के साथ ही कोयले की काली कमाई की जानकारी खंगालते रहे। इस कार्रवाई के दौरान CRPF की टीम ने बंगले को घेर लिया। इधर ED के शहर पहुंचने की भनक लगते ही शुक्रवार को खनिज अफसर दफ्तर से गायब नजर आए। ट्रेन में सफर करने वाली महिलाएं और युवतियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने विशेष पहल की है। बिलासपुर रेलवे जोन में अकेली महिला यात्रियों की देखभाल और सुरक्षा के लिए मेरी सहेली टीम तैनात की गई है। टीम में RPF की महिला आरक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है, जो अकेली महिला और युवतियों की जानकारी लेकर बिना शिकायत के ही उनसे सीधे संपर्क कर रही है। बलौदाबाजार पुलिस ने सीमेंट संयंत्र में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 2 लोगों से ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ज्ञानेश्वर प्रसाद धृतलहरे के द्वारा श्री सीमेंट संयंत्र में प्रार्थी अशोक साहू के पुत्र धर्मेंद्र साहू व 2 अन्य लोगों को नौकरी लगवाने के नाम पर 30,000 रुपए लिया था। काफी समय के बाद भी नौकरी नहीं लगने पर रुपए वापस नहीं मिलने पर पुलिस से शिकायत की गई थी।